अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा पाकिस्तान। आज मैं आपको इसलिए लोगों बताऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब, टिकटॉक और इंस्टाग्राम, जहां भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इस वक्त तो सिर्फ आपको एक ही चीज़ नजर आ रही है और वो है लाल और हरा रंग, जो कि पीटीआई के झंडे का। इस कैंपेन को आज से चंद रोज पहले पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कुछ उन्होंने स्टार्ट किया था, जो कि अब इस वक्त बहुत टॉप ट्रेंड पर चल रहा है। टिकटॉक पर देख लें आप, फेसबुक पर देख लें, हर जगह आपको ये पीटीआई का झंडा नज़र आएगा। अब ये बात सिर्फ सोशल मीडिया तक नहीं रही है, आज से बाकायदा इस कैंपेन का आगाज़ हो गया, यानी कि बेसिकली ये थी झंडा लगाओ मुहिम पीटीआई का, जिसमें सोशल मीडिया से इसका आगाज़ हुआ। और अब सोशल मीडिया के तमाम डीपीज़ के ऊपर मैक्सिमम, यानी कि जो हरा और लाल रंग से भरा हुआ है, साथ साथ अब लोगों ने अपने घरों पर, छतों पर भी ये झंडे लगाने, पीटीआई के लगाने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर लोगों के लिए सोचने वाली बात ये है कि जो चाहते थे कि एक जमहूरी माशरे के अंदर, एक ऐसे माशरे के अंदर जहाँ पर लोग अब सही और गलत को समझने लगे हैं, वहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी से किसी ऐसी पार्टी को ख़त्म कर देंगे या उसका नामो निशान मिटाना जो उनकी ख्वाहिश थी वो कर देंगे, और उसके बाद फिर वो अपनी मर्ज़ी से जिनको लाना चाहेंगे वो आ जाएंगे, या जो खुद आना चाह रहे हैं वो खुद आ जाएंगे। और अगर आप आवाम के अंदर मकबूल हैं तो आपको कोई भी ताकत जो है वो नहीं गिरा सकती, नहीं आपको ख़त्म कर सकती है, चाहे आप कितना ही जोर क्यों ना लगा लें। क्योंकि इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है वो ऑलरेडी बहुत सारी तरीक़ों से अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह से आने वाले इलेक्शन के अंदर कुछ हासिल कर पाए, जिस तरह से मुख्तलिफ पार्टीज़ बना बनाकर और दुबई में जाके मीटिंग करके। अब देख सकते हैं आप कि इस वक्त इमरान खान साहब तो पाकिस्तान में मौजूद है, और कोशिश उनकी है कि किसी तरह से वो कुछ लम्हे के लिए पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, ताकि वो कहीं अपने वोटर्स को मुँह दिखा सकें कि वो भी, इमरान खान भी अपने लोगों को छोड़कर जो है वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। लेकिन इमरान खान यही है, और यहीं पर सारी चीज़ें हो रही हैं। अब देखिए, आवाम में रहते हुए ही इतनी बड़ी और इतनी मौसर कैंपेनिंग करना, और तो ये इस बात का सबूत है कि अगर आप आवाम में रहकर आवाम की ही सियासत करेंगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इस पर पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में हो क्या रहा है, वो ये है कि पाकिस्तान के जो अहम फैसले हैं वो दुबई और लंदन में हो रहे हैं, लेकिन जो अवामी पार्टी है, जो अवाम ऑर्गेनिकली अब अपनी जगह बना चुकी है, यानी कि वो पीटीआई और इमरान खान, तो वो अवाम के अंदर ही मौजूद है तमाम मुश्किल को फेस करने के बावजूद, और इस वक्त उनकी मकबूलियत और इंतहा को छू रही है। तो शॉर्ट इन शॉर्ट ये कि इस कैंपेन आने वाले दिनों के अंदर ये कैंपेन अब मज़ीद मौसर होती नज़र आ रही है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया से हटकर अब ये स्टार्ट हो गई घरों तक, यानी कि अब हर पीटीआई का जाने वाला कोशिश ये होगी इन फ्यूचर। अब आप देखेंगे इसका आगे इम्पैक्ट कि वो अब घरों में भी पीटीआई का झंडा है उसको आने वाले दिनों के अंदर लगाएंगे। इसका फ़ायदा ये हो रहा है कि बेसिकली अब आने वाले दिनों के अंदर सोशल मीडिया पर तो अभी कैंपेन चल रही थी, साथ साथ ये घरों पर मुख्तलिफ लोग अपने अपने घरों पर भी लगा रहे थे, लेकिन अब बाकायदा इसका आगाज़ हो गया, और आने वाले दिनों में आपको पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो झंडे हैं वो और पाकिस्तान के झंडे के साथ ये आप लोगों के घरों पर भी नज़र आएंगे। इसका इम्पैक्ट ये होना है कि इसे पता लगेगा कि उनकी रियल पावर, रियल स्ट्रेंथ क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। और मुझे तो अब तक ये ऑब्जर्वेशन से ये लग रहा है कि अब पूरा पाकिस्तान आपको पीटीआई झंडे के कलर का ही नज़र आएगा।